गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अपर्णा राजौरिया एंड आप सभी का स्वागत है अगेन हमारे आपके अपने चैनल एबीसी अबाउट इंग्लिश में। आज का टॉपिक जानने से पहले मैं आपसे वही फिर से बात कहूंगी, सब्सक्राइब की बटन अगर आपने अभी तक क्लिक नहीं करी है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे चैनल सारे यूट्यूब के सारे हमारे चैनल पे उपलब्ध सारे के सारे वीडियो आप तक पहुंचे। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर प्रॉब्लम्स है कोई समस्या है तो कमेंट की बटन भी वहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए नाउन, नाउन के बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले भी पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन, जो कि हम पहले पढ़ चुके, पर फिर से पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इसके टाइप्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे आज। आजकल जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज नाउन क्लियर हो जाएगा आपको अगर अभी तक क्लियर नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। फ्रेंड्स फिर से नर्सरी पे जा रहे हैं, बहुत बचपन की एक पोयम याद की एक निशानी है, बचपन की एक निशानी है ये नाउन का एक डेफिनेशन, जो आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा। पर हमने ये भी देखा था कि ये जो है सिर्फ पर्सन के, प्लेस के और थिंग के नाम को नाउन नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के नाम को, है ना। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड मतलब यहाँ पे जिस भी चीज़ का हम नाम देते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, उन सब का नाम है नाउन। नाउन मतलब नेम, नेम मतलब नाउन, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है राज, इंडिया, चेयर, मदर, टाइगर एक्सेट्रा। देखिए आपको हमारे आपके सामने जितने भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारे के सारे नाउन है, अगर आप उनका नाम रख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सन है, मून, ट्री, आसपास जो भी देखते हैं, मैन, वेमेन, ग्रास, ठीक है। तो ये सारे के सारे, लाइट है ना, तो ये सारे के सारे नाउन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, श्याम इज वर्किंग वेरी लेट। यहाँ पे श्याम जो है वो एक पर्सन का नाम है इसलिए नाउन है। आगे चलते हैं, यू आर सिटिंग इन द ब्रोकन चेयर। यहाँ पे चेयर एक थिंग का नाम है तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ। आप एक टूटी हुई चेयर पे बैठने जा रहे हैं, इसका हिंदी मीनिंग। मदर इज कॉलिंग यू, मदर, मदर एक रिलेशन का नाम है इसीलिए यहाँ पे मदर भी नाउन है। मदर इज कॉलिंग यू, आपको मदर बुला रही है, ठीक है। इंडिया इज माई फेवरेट कंट्री। हाँ फ्रेंड्स, देखिए प्लेस का नाम है इंडिया और कंट्री दोनों ही एक तरीके से प्लेस का नाम हो सकती है, तो यहाँ पर वो भी नाउन है। आगे समझते हैं, और आपको ग्रामर में किसी भी तरीके की या स्टडीज में आपको प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, काइंड ऑफ नाउन, कितने टाइप के नाउन होते हैं, कैसे होते हैं, किस किस कैटेगरीज में उसको डिफाइन किया जाता है, देखें। प्रॉपर नाउन, कॉमन कलेक्टिव नाउन, या फिर एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइव कैटेगरीज के नाउन यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। जाने से पहले कि ये क्या होते हैं और किस किस नाउन को इस कैटेगरी में क्यों रखा गया है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉमन और कलेक्टिव जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है कॉमन को और कलेक्टिव का। क्यों? काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल वो नाउन होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल है अनकाउंटेबल नाउन के अंडर में। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन को अगर हम समझें तो प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को या किसी को भी पर्टिकुलर नेम दे दिया गया। पर्टिकुलर नेम का मतलब कि उसका प्रॉपर उसी का नाम हो जो, ठीक है, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि ललिता, इंदौर, हमने एक गर्ल का नाम रखा है ललिता, एक पर्टिकुलर नेम है वो। ललिता बहुत सारी नहीं हो सकती है फ्रेंड्स, हर गर्ल को ललिता नहीं कह सकते, हर सिटी को इंदौर नहीं कह सकते। द रेड फोर्ट एक ही बिल्डिंग का नाम हो सकता है फ्रेंड्स, द रेड फोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो पर्टिकुलर होती हैं उन्हें प्रॉपर नाउन के अंडर में रखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे राम जो कि एक पर्टिकुलर नेम है पर्सन का, तो उसको यहाँ पे प्रॉपर नाउन कहा गया है। नेक्स्ट है, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। रेड फोर्ट, जो रेड फोर्ट है किला है, उसको भी
यहाँ पर हर हर किले को, हर फोर्ट को रेड फोर्ट तो नहीं कहा जा सकता ना, तो ये पर्टिकुलर है उसी बिल्डिंग को रेड फोर्ट कहा गया। दिल्ली जो हमारा प्लेस है, एक प्लेस का पर्टिकुलर नेम है दिल्ली, तो ये सब भी प्रॉपर नाउन होंगे। टॉमी इज माई डॉग, यहाँ पे डॉग का पर्टिकुलर नेम दिया गया है टॉमी, कि माई डॉग्स नेम इज टॉमी, एक तरीके से टॉमी जो है मेरे डॉग का नाम है, तो नेम पर्टिकुलर नेम हो गया टॉमी, तो टॉमी इज अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, माई डॉल इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरी डॉल जो है बहुत ब्यूटीफुल है। आई कॉल हर सिंड्रेला, मैं उसे सिंड्रेला कहती हूँ। अब देखिए, डॉल तो एक तरीके से सभी डॉल्स को डॉल कह सकते हैं, बट मैंने अपनी डॉल का पर्टिकुलर एक नाम रखा है जिसे मैं कहती हूँ सिंड्रेला, तो सिंड्रेला जो है प्रॉपर नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, आई बॉट सोनी टीवी, मैंने सोनी की टीवी खरीदी है। अब टीवी तो बहुत सारी होती है, पर कंपनी का एक पर्टिकुलर नेम है सोनी। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा इज वन ऑफ द रिलीजियस रिवर ऑफ इंडिया, यहाँ पे गंगा जो है पर्टिकुलर रिवर का नाम है। ठीक है, तो फिर से पर्टिकुलर वर्ड आ गया है पर्टिकुलर, तो वहां पर प्रॉपर नाउन आएगा। और यहाँ पे इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, हर कंट्री को इंडिया नहीं कह सकते फ्रेंड, इसीलिए हम बात करते हैं इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। अब हम जब कॉमन नाउन देखेंगे फ्रेंड्स, तो कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू ऑल। ठीक है, कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू ऑल पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब हर पर्सन प्लेस थिंग का एक कॉमन नाम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कि जैसे पेन, आपके पेन को भी पेन कहेंगे, मेरे पेन को भी पेन कहेंगे, सामने कोई और भी लिख रहा है तो उसके उस ऑब्जेक्ट को जिससे वो लिख रहा है वो भी पेन ही कहेंगे। बुक, आपकी बुक भी बुक है, मेरी बुक भी बुक है, जमाने की सारी बुक्स बुक्स ही कहलाएंगे फ्रेंड्स। स्टूडेंट, आप सब स्टूडेंट हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट 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 सब। बॉय, बॉय एक कॉमन वर्ड है, हर लड़के को भैया बॉय कह सकते हैं, हर लॉयन को लॉयन कह सकते हैं, तो एक कॉमन है, सभी में कॉमन है। अगर अलग अलग हम देखें तो सब एक नेम है, वो आप कॉमनली हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहां पर कॉमन नाउन आएगा, जैसे कि पेन, बुक, स्टूडेंट, बॉय और लॉयन। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए बात करें, राम इज अ गुड बॉय, यहाँ पे फिर से वही एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। यहाँ राम जो है एक पर्टिकुलर नेम है, तो वो तो प्रॉपर में चला गया, पर बॉय हर लड़के को बॉय कह सकते हैं, तो बॉय कॉमन नाउन है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, दिल्ली इज अ वंडरफुल सिटी, यहाँ पे सिटी जो है हर सिटी को सिटी कह सकते हैं, पर हर सिटी को दिल्ली नहीं कह सकते, तो दिल्ली यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और सिटी जो है वो कॉमन नाउन है। एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे कैपिटल जो है हर कैपिटल को, भैया इंडिया की कैपिटल हो चाहे यूके की कैपिटल हो, पर कैपिटल तो कैपिटल ही रहेगी, तो फ्रेंड्स ये भी कॉमन नाउन है इंडिया, जबकि प्रॉपर नाउन है। अगर आपने डॉग है आपके पास, भैया आपके डॉग को भी डॉग कहेंगे, हमारे डॉग की भी डॉग कहेंगे हम, तो डॉग कॉमन नाउन है, बट अगर मैंने अपने डॉग का नाम टॉमी रखा है और आपने कुछ और भी रखा हो सकता है, तो टॉमी टॉमी ऐसे हर डॉग को टॉमी तो नहीं कह सकते ना, तो फ्रेंड्स टॉमी यहाँ पे प्रॉपर नाउन और डॉग कॉमन नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं, माई डॉल इज वेरी ब्यूटिफुल, हर डॉल को डॉल कह सकते हैं, तो यहाँ डॉल जो है वो कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और आई कॉल हर सिंड्रेला, यहाँ पे सिंड्रेला जो है वो मेरी ही डॉल का नाम है, मतलब पर्टिकुलर नेम है, तो यहाँ पे वो प्रॉपर नाउन हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, आई बॉट सोनी टीवी, यहाँ पे टीवी हर टीवी को टेलीविजन को टेलीविजन कह सकते हैं, टीवी कह सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर किसकी टीवी है, जैसे सोनी टीवी है, एलजी टीवी आती है, तो वो किस पर्टिकुलर किस ब्रांच की किस कंपनी की टीवी है ये उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो अगर यहाँ पे सोनी है तो वो प्रॉपर नाउन में गया और टीवी जो है वो यहाँ पे कॉमन नाउन है। गंगा इज वन ऑफ द रिलीजियस रिवर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे रिवर हर रिवर को रिवर कह सकते हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्र हो, तो हर रिवर जो है वो रिवर ही कहलाएगी, पर अगर उसका अपने नाम दे दिया, पर्टिकुलर नेम दे दिया, जो कि यहाँ पे गंगा दिया हुआ है, तो वो चीज प्रॉपर में चली गई, पर रिवर जो है वो कॉमन वर्ड है, तो कॉमन
नाउन में गया। नेक्स्ट कैटेगरीज के बारे में हम बात करें अगर नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन होता है फ्रेंड्स। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स टेकन टुगेदर बट स्पोकन एज वन ऑफ होल। देखिए फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन का अगर हम बोलें तो एक नंबर ऑफ थिंग्स से मिलकर बनता है, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनती है, और एक होल, एक पूरी चीज़ को हम एक वन सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं। जैसे कि आर्मी, आर्मी की अगर हम बात करें तो सोचने जाएं अगर आर्मी के बारे में, तो बहुत सारे नंबर ऑफ सोल्जर्स दिखाई देंगे, मतलब सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी कह सकते हैं, सोल्जर्स के कलेक्शन को आर्मी कह सकते हैं। लाइब्रेरी, अगर हम लाइब्रेरी की बात करें फ्रेंड्स, तो दिमाग में क्या आता है? नंबर ऑफ बुक्स आता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स आता है। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बुक्स को क्या कहा गया है? लाइब्रेरी। अब देखो कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्शन तो होगा ही ना, कलेक्शन जो वर्ड्स आते हैं, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, मतलब जिस ऐसा नाम जो कलेक्शन शो करे। फ्लीट जो है यहाँ पर, इसको कहते हैं जहाजी बेड़ा, जब बहुत सारे नंबर ऑफ शिप्स कलेक्शन जो होता है, शिप्स का कलेक्शन, जो जहाज होते हैं ना हमारे पानी के जहाज, एक के बाद एक जहाजी बेड़ा जिसको कहते हैं, तो वो होता है फ्लीट। क्लास, क्लास की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नजर आएंगे ही। गैंग की बात करें तो एक ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन का ग्रुप, अब वो गैंग किसकी कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये होता है कलेक्टिव नाउन, और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आर्मी, देखिए फ्रेंड्स फिर से यहाँ पे नजर आ रहा है आपको आर्मी, आर्मी मतलब कलेक्शन, कलेक्शन किसका कलेक्शन है? तो वो कलेक्शन है सोल्जर्स का। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज कमिंग। हर्ड मीन्स एक कलेक्शन, किसका कलेक्शन हो सकता है? तो एलिफेंट्स का कलेक्शन। यहाँ पे हर्ड जो वर्ड यूज हुआ है फ्रेंड्स, वो यूज हुआ है कलेक्शन के लिए, एनिमल के कलेक्शन को हर्ड कहते हैं। वो यहाँ पे एनिमल कौन सा है? एलिफेंट। एलिफेंट के कलेक्शन को हर्ड कहा है, वहाँ पे हर्ड जो है कलेक्टिव नाउन हुआ। आई लेफ्ट माई बंच ऑफ कीज, गुच्छा, बंच माने गुच्छा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कीज मतलब कलेक्शन ऑफ कीज को हम बंच कहते हैं, तो यहाँ पे फिर से कलेक्टिव नाउन हुआ बंच। नेक्स्ट है, धोनी लेफ्ट कैप्टनशिप ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। यहाँ पे टीम, फिर से देखिए टीम की बात आ रही है, टीम मतलब प्लेयर्स का कलेक्शन होगा, है ना, प्लेयर्स का कलेक्शन होगा तो उसी को टीम कहेंगे, तो टीम फिर से कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है ये फ्रेंड्स। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। मींस क्वालिटी का नाम हो, एक्शन का नाम हो, या स्टेट का नाम हो। स्टेट मींस स्थिति का नाम हो, कोई परिस्थिति का नाम हो, क्वालिटी का नाम हो, तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि वी कैन नॉट टच एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम उन्हें टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते फ्रेंड्स? टच नहीं कर सकते। ऐसे नाउन जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, वी कैन ओनली इमेजिन इट, सिर्फ उसके बारे में इमेजिन किया जा सकता हो, सोचा जा सकता हो, समझा जा सकता हो, बट टच नहीं किया जा सकता। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल के लिए ब्यूटी, टीचिंग, नॉलेज, चाइल्डहुड, मैथमेटिक्स। अब आप कहोगे मैथमेटिक्स की बुक्स मेरे सामने रखी है, मैंने छू ली, तो मैं कहूँगी आपसे कि आपने मैथमेटिक्स को नहीं छुआ है, मैथमेटिक्स की बुक को छुआ है, बुक को छुआ है आपने, नॉलेज को, जो मैथ्स नॉलेज दे रहा है आपको, वो नॉलेज नहीं छू सकते आप। टीचिंग एक कला है, टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो टीचिंग जो है वो आप उसको टच नहीं कर सकते हो, आप उसको समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि क्या होती है। ब्यूटी, यहाँ पे ब्यूटी को टच करना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक सोच की बात होती है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे ऑनेस्टी की जो ईमानदारी, ईमानदारी को फ्रेंड्स छू सकते हैं क्या आप, टच कर सकते हैं क्या? खुद सोचिए, पॉलिसी नहीं टच कर सकते आप, वो एक थॉट है, एक क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी के नाम है, तो क्वालिटी इसको टच नहीं किया जा सकता, समझा जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से बेहतर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रिवेंशन और क्योर, भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझा जा सकता है. एवराइज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, मतलब एक लालच सभी बुराइयों की क्या है, रूट है, जड़ होती है. तो यहाँ पे लालच जो है, एवराइज जो है, वो उसको छुआ तो नहीं जा सकता, ठीक है, वो तो बैड क्वालिटी का एक नाम है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. और यहाँ पे इविल्स, बुराई को भी हम छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, बट आप छू नहीं सकते उसको, टच नहीं कर सकते, इमेजिन कर सकते कि क्या होता है, ठीक है. आगे देखते हैं, आई यूज टू बी अ चाइल्ड इन माई चाइल्डहुड. आप देखो, चाइल्डहुड में हुआ करता था एक चाइल्ड, मेरे चाइल्डहुड में, एक फनी सा सेंटेंस है. यहाँ पे देखिए, चाइल्डहुड को आप टच नहीं कर सकते, समझ सकते हो, आपने जिया है चाइल्डहुड को, पर टच नहीं कर सकते उसको फ्रेंड्स. इसीलिए चाइल्डहुड हो, मैनहुड हो, कोई सा भी हुड हो, आप उसको टच नहीं कर सकते, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. यहाँ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, जैसे फ्रेंडशिप है, ब्रेवरी है, एक्साइटमेंट है, ठीक है, एंगर है, यहाँ पे हैप्पीनेस है. तो ये सारे के सारे जो हैं, हेल्थ है, लव है, तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, फील किया जा सकता है, एक तरीके से इमेजिन किया जा सकता है. आगे जानते हैं, मटेरियल नाउन लास्ट टाइप का नाउन है. देखते हैं, द मैटर बाय विच अदर थिंग्स आर मेड कॉल्ड मटेरियल नाउन. देखिए, जिस ऐसे ऑब्जेक्ट से, ऐसे थिंग्स से जिसे दूसरी चीजें, अदर ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स बनाई जा सकती हैं, ऐसे मटेरियल जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, वो मटेरियल नाउन में आता है. अब देखिए, एग्जांपल के लिए बात करें, बहुत सिंपल सा है ये. मटेरियल मतलब जिससे भी कोई दूसरे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे गोल्ड. गोल्ड से आप क्या क्या बना सकते हो, आप ज्वेलरी बना सकते हो, कोई पॉट्स बना सकते हो, अगर आप बैंगल्स बना सकते हो, तो ये सारे. आयरन से काफ़ी सारे फर्नीचर्स बनते हैं, रबर, व्हीट, अब व्हीट से रोटी बनाई जा सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं. वाटर है, मिल्क है ना, इनसे बहुत सारी चीज़ें, शुगर है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं. तो ये सारे के सारे मटेरियल नाउन में, जो भी सारे मैटर होते हैं, वो सारे मटेरियल नाउन में आते हैं जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं. एग्जांपल के लिए, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. यहाँ पे वाटर जो है वो एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि वाटर से काफ़ी कुछ चीज़ें बनती हैं. आपको पता है, खाना उसके बिना तो बन ही नहीं सकता. कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क. यहाँ पे कर्ड जो है ना, और मिल्क दोनों ही मटेरियल नाउन है, क्योंकि कर्ड से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और मिल्क से भी. नेक्स्ट देखते हैं, टेबल इज मेड ऑफ आयरन. यहाँ पे आयरन से बन रहा है टेबल, तो मतलब आयरन क्या हुआ, आयरन एक मटेरियल नाउन हुआ. नेक्स्ट है, व्हीट, राइस एंड पल्सेस आर द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया. यहाँ पे व्हीट है ना, गेहूँ, चावल और दालों को के बारे में बात करें, पल्सेस के बारे में बात करें, कि मेन क्रॉप्स हैं इंडिया की भैया. तो ये जो व्हीट, राइस और पल्सेस हैं, इससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. आपने अगर खाना खाया है आपके घर में, तो इन्हीं चीज़ों से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ पर. तो ये सब भी मटेरियल नाउन है, ठीक है फ्रेंड्स. आगे जानते हैं, ही बेसिकली डील्स इन गोल्ड. वो गोल्ड में ही डील करता है अपनी, ठीक है. तो यहाँ पे गोल्ड जो है, हमने अभी भी डिस्कस करा था, गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, ठीक है. अनदर टाइप, कई कई लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी नाउन बताते हैं, कि क्लास में जैसे 4 टाइप के हैं, तो क्लास में, ग्रुप में, परसेप्शन या नंबर में भी काउंट करते हैं कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं. तो क्लास में मतलब एक तरीके से कॉमन या प्रॉपर जो कि हम पढ़ चुके हैं. कॉमन नाउन का मतलब क्या, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. प्रॉपर नाउन अ पर्टिकुलर नेम एंड कॉमन मतलब कॉमन टू ऑल, जिसको सब कोई कह सकते हैं. आपके पास डॉग है, हमारे पास भी डॉग है, मीन्स कॉमन नाम है ना. और अगर मेरे डॉग का नाम टॉमी है, तो आपके डॉग का नाम टॉमी नहीं हो सकता, हो सकता है कुछ और हो, पर हर डॉग का तो नहीं हो सकता. तो यहाँ पे वो प्रॉपर नाउन है. ग्रुप की अगर बात करें, तो ग्रुप में डील करने वाला नाउन एक ही होता है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है. परसेप्शन की बात करें, तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हम आके नेक्स्ट उसमें स्लाइड में देखेंगे क्या होता है. नंबर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, फिर से बात आ गई, जिनको गिना जा सकता है और जिनको नहीं गिना जा सकता. नंबर्स के फॉर्म में मतलब एक तरीके से कितने हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंट किया जा सकता है, नहीं काउंट किया जा सकता उनमें. नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए परसेप्शन का आ गया, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. यहाँ पे कॉन्क्रीट वो नाउन हो रहा है,
हो रहे हैं जो कैन कैन बी सीन एंड टच्ड, जिनको सीन किया जा सकता है। कॉन्क्रीट कैसा होता है, कड़क बिल्कुल, रफ एंड टफ जिसको टच किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट जिसको नहीं टच किया जा सकता है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखे हैं कि वुमेन, ग्लासेस, टी, शुगर, मिल्क, है ना, इस तरीके के कॉन्क्रीट मतलब जिसको टच किया जा सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स नहीं टच किया जा सकता, जैसे कि फीलिंग्स का नाम है, इमोशंस का नाम है, तो उन्हें टच नहीं कर सकता। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में बात करिए, जैसे काउंटेबल जिनको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है नंबर्स में, और अनकाउंटेबल मीन्स नहीं गिना जा सकता। एग्जाम्पल के लिए देखें, काउंटेबल में मैन, वुमेन, फैमिली, ग्लासेस, इन सबको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल नेम की बात करें तो शुगर हो गया, टी, मिल्क, इन्हें गिना नहीं जा सकता। शुगर को गिनने बैठोगे पागल हो गए हैं क्या? कॉन्फिडेंट, है ना, टी, मिल्क, इस तरीके के जो नाम होते हैं, हमने फिर से देखा काउंटेबल नाउन में कॉमन और कलेक्टिव नाउन आते हैं, अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। ये फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आपसे फिर कहूँगी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और खुश रहिए फ्रेंड्स, खुश रहिए। नेक्स्ट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।